हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, कल यहाँ पर वीडियोस बनाई गई थी और उसमें बताया गया था कि मार्केट में बुल रन आ सकता है, एक तेजी आ सकती है। आज के डेट में वो तेजी देखी गई। स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा पिटे थे, उनमें और ज्यादा तेजी देखी गई। और अब अगर हम बात करें, जिस तरीके की कैंडल और चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो बता रही है कि कल दोबारा तेजी होगी। और इसके लिए इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पर देख लीजिएगा तो आपको चीजें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी किस बेसिस पे यहाँ पर कह रहा हूँ कि तेजी यहाँ पर हो सकती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक्स की जिसका नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट। काफी बेहतरीन यहाँ पर ये शेयर नजर आता है। और मैं जब भी कोई भी शेयर चूज करता हूँ आप लोगों के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर यहाँ पर ये शेयर को चूज किया गया है। तो उस चीजों को यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा लास्ट तक वीडियो, ताकि यहाँ पर चीजें समझ में आए। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो बनाए आपको मिले और आप यहाँ पर देख के सीख के यहाँ पर पैसा कमा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट की। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं कुछ चीजें, तो यहाँ पर देख आपको पता चलेगी ना कंपनी ने बोनस दिया है ना कंपनी डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है काफी टाइम से। बोर्ड मीटिंग और स्प्लिट की बात करें, एक बार स्प्लिट 2007 में हुआ, उसके बाद से कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आता। और यहाँ पर हम देखते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आपको पता चलेगा इसने राउंड एंड टॉप बनाया, एक लगभग कितने टाइम यहाँ पर ले लिया, ये कंसोलिडेशन फेज था पूरा। ओके, इसे ही कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, लगभग 10-12 साल का कंसोलिडेशन। और इसके बाद शेयर भागा 300 रुपए से सीधे 510, इसने हाई की बात करूं तो 520 का इसने हाई बनाया। शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया एक ही बारी में, जिन्होंने भी यहाँ पर वेट किया होगा। ओके, लगभग 10 टाइम से ज्यादा के रिटर्न, और यही एक अच्छे शेयर की काबिलियत रहती है। और कब किस किस शेयर की किस्मत बदल जाए कुछ कहना मुश्किल होता है। ओके, तो कोई भी शेयर की किस्मत बदल सकती है, शेयर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे कि एक्सपोर्ट लिख रहा है, तो कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में नहीं है ये शेयर, ये कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिजाइन मैन्युफैक्चर सेल्स करता है किसी गारमेंट की, उन कपड़ों की जो मेंस पहनते हैं, वीमेंस पहनते हैं और चिल्ड्रन पहनते हैं। और बहुत सारी लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड है उनके लिए ये कंपनी कैटरस करती हुई दिखाई देती है, मतलब उनके लिए काम करती है, उनके लिए कपड़े बनाती हुई दिखाई देती है। लगभग अगर बात करें आउटवियर से 50%, कैजुअल वियर से 36% और बॉटम वियर से 14% यहाँ पर इनका यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कंपनी का मोस्टली जो बिजनेस से जो यहाँ पर आता है पैसा आता है, जो जोग्राफिकल स्प्लिट आता है यहाँ पर रेवेन्यू आता है, वो नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा आता है 64%, यूरोप से यहाँ पर बात करें 30%, एशिया से लगभग 22% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 1%। इसके अलावा कंपनी की बात करें यहाँ पर क्लियर वेल्थ 2018 में इन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी ब्लैकस्टोन एफपी कैपिटल से 40% के स्टेक ले लिए थे, और अभी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर शेयर कम हो गया, जो कि हम अभी देखेंगे। इसके अलावा बात करें इनके कुछ लगभग इनका प्लान है 2022-23 में लगभग 120 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने का, ताकि ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें। और इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें, जो यहाँ पर आपने सुने होंगे पहने होंगे जिनके कपड़े, ओके, वो इनके सबके क्लाइंट है, जिसमें आप अगर हम बात करें गैप, वॉलमार्ट, जेसीपेनी, एडिडास, H&M, मार्क्स स्पेंसर, सनमार्क, पूमा, ओल्ड नेवी, ये सारे के सारे बेहतरीन यहाँ पर जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है। ओके, ये सब मोस्टली कंपनी ये कंपनियों की इस कंपनी की क्लाइंट है, तो ये एक बेहतरीन चीज है। और भी बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पर जाके एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। कंपनी स्मॉल कैप है, जब भी मैं स्मॉल कैप और मिड कैप या फिर मैं बात करता हूँ माइक्रो कैप की, तो हमेशा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और देता भी हूँ कि जब भी इस तरीके की शेयर हम चुनते हैं तो याद रखिए गिरावट भी उसी तरीके की होती है जिस तरीके के रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर इसमें एक साल में अगर हम बात करें 3 साल में एक मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, तो याद रखिए गिरावट की बात करें तो 520 रुपए का शेयर 360 रुपए पे आता हुआ दिखाई दिया। और विद इन वॉट अगर बात करूं, एक महीना भी नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ये शेयर इतना ज्यादा गिर चुका है, तो ये स्मॉल कैप की काबिलियत रहती है। पीई की बात करें 18 का, इंडस्ट्री का 14 का, कहीं ना कहीं महंगा है, बट स्टिल अगर बात करें कंपनी के आरओसी आरओई लगभग 18 और 23% के है, जो कि यहाँ पर स्मॉल कैप में बहुत कम दिखने को मिलते हैं। और जब यहाँ पर स्मॉल कैप में इस तरीके के यहाँ पर आरओसी आरओई दिख जाए तो ऐसे शेयर को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर यहाँ पर 18 और 23% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मिले तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आते। शेयर जब 27% का डेट है, कोई ज्यादा डेट भी नहीं है कंपनी का, 5 रुपए का फेस वैल्यू है, तो आगे चल के यहाँ पर आपको स्प्लिट भी मिल सकता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देख चुके हैं कि किस तरीके से शेयर यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई, इसने जो ऑल टाइम हाई को भी अपने ऑल टाइम मतलब लाइफ टाइम हाई को कह सकते हैं इसने क्रॉस किया, उसके बाद नीचे आया और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है।
क्यों कर सकता है? तो इसके पीछे का रीजन है क्वार्टरली रिजल्ट्स, और रिकमेंड करने के पीछे का रीजन क्या है? क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी के रिजल्ट लगातार बढ़े, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोविड की वजह से नीचे थे, बट अगेन यहाँ पर कोविड के बाद कंपनी ने बिजनेस यहाँ पर लिया। सेल्स की बात करें, हाईएस्ट एवर सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट हाईएस्ट एवर, कंपनी का मार्जिन 13% जो कि हाईएस्ट एवर है, क्वार्टरली बेसिस, एनुअली बेसिस एज वेल एज पिछले 12 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। अब बात करते हैं शेयर बताने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए अगले क्वार्टर के रिजल्ट में जो मार्जिन देखे तो 7% का ही है, तो अगर बात करें अगले क्वार्टर के रिजल्ट, इसके 13% से भी मार्जिन कम आता है, तो याद रखिए फिर भी 7% से मुझे लगता है ज्यादा आएगा। और कहीं ना कहीं शेयर जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर लगता है कि ये शेयर और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, और एटलीस्ट अपने हाई को 360 पे चल रहा है, 520 को तो दोबारा टच, 500 के आसपास तो टच कर सकता है, तो इजिली स्विंग ट्रेड में भी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है। ईयरली बेसिस पर देखेंगे कंपनी 2017-18 के बाद दोबारा लगातार परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लगातार घाटे में था 2018 के बाद हाईएस्ट स्टेबल यहाँ पर परफॉर्मेंस आ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, कंपनी धीरे-धीरे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और यही चीज है कंपनी बता रही है कि मैं यहाँ पर अच्छी होती जा रही हूँ। और कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करूँ तो रिजर्व्स देखिए, कंपनी के रिजर्व्स जो 200 लगभग 300 करोड़ से भी कम थे, अभी लगभग डबल से ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। बोरिंग जो लगभग 479 करोड़ थी वो 193 हो गई है, मतलब हाफ से भी ज्यादा यहाँ पर कम होती है नजर आ रही है। तो बोरिंग का कम होना हाफ से भी ज्यादा और रिजर्व्स का हाफ से भी ज्यादा बढ़ जाना, ये एक पॉजिटिव सेक्टर है, पॉजिटिव पॉइंट है, फैक्टर है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैश है कंपनी के पास, ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कंपनी अच्छी होती नजर आ रही है। प्रमोटर्स जैसे कि मैं बता रहा था किस तरीके से 2018 में यहाँ पर कंपनी ने ये प्रमोटर्स बन गए थे, और अभी की बात करें यहाँ पर लगातार इनकी हिस्सेदारी कम हुई है, और पिछले दो क्वार्टर में इनकी हिस्सेदारी कम होकर 32% से 23% रह गई है। बट इसके अगेंस्ट में FIs देखेंगे तो FIs के ने यहाँ पर लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है, 5% से यहाँ पर 4% से 12% होते हुए नजर आए, थोड़ी सी हिस्सेदारी 1% के आसपास की एक पिछले क्वार्टर में होती हुई नजर आई है, और थोड़ी बहुत अभी भी होती हुई नजर आ सकती है क्योंकि अभी जिस तरह की गिरावट है शायद थोड़ा थोड़ा माल इन्होंने और बेचा हो। DIs की बात करें तो DIs के पास 4% से 27% की हिस्सेदारी बढ़ी है, एक पॉजिटिव फैक्टर है, और हाई और लगातार यहाँ पर बढ़ा रहे 10 से 26 कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इस चीज को याद रखिए। तो अगर हम बात करें पब्लिक की, 37% के शेयर है, बट कुछ 10-1% के शेयर यहाँ पर कुछ लोगों ने ले रखे हैं, तो फिर भी अच्छे खासे शेयर पब्लिक के पास नजर आते हैं। अब बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो यहाँ पर चार्ट ये बता रहा है कि एक बेहतरीन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है ओके, जो कि यहाँ पर ये नजर आता है, तो एक गिरावट होती है नजर आएगी, जो सबसे पहले 326 और 326 को भी अगर तोड़ देती है तो ये शेयर और भी ज्यादा गिर सकता है, शायद यहाँ पर ये शेयर 200 रुपए के आसपास भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर रिटर्न मिलते हैं वहां पर गिरावट भी होती है, बट जिस तरीके की गिरावट अभी हुई थी इस शेयर में उस तरीके की गिरावट नहीं होती हुई दिखाई दी, और ये शेयर 520 से 350 पे 360 रुपए पे आता हुआ दिखाई दिया है जरूर ओके, बट यहाँ से दोबारा काबिलियत रखता है शेयर दोबारा जाने की, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर इसने इस लेवल को निकाल दिया, इस लेवल के नीचे आ गया, तो याद रखिए ये शेयर फिर और ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा, फिर उस टाइम ये रुक नहीं पाएगा, और उस टाइम ये आपको नीचे के लेवल पे मिल जाएगा तो यहाँ पर बाइंग की तब सलाह रहेगी। और ऊपर के लेवल की बात बताऊं तो अगर ये इस पर्टिकुलर लाइन को जो कि इसका लाइफ टाइम हाई का है इसके क्रॉस कर देता है, इसके बाद ये शेयर यहाँ पर जाएगा 423, और अगर ट्रेडर्स के लिए तो ऑब्वियसली बात है ट्रेडर्स बाइंग करेंगे यहाँ पर 416 पे बाइंग करेंगे, ये वो बाइंग करेंगे 423 पे, और वो बाइंग करेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर 487 और 518-520 के आसपास जब निकल जाएगा तब बाइंग वो करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड में जिस तरीके के मैंने आपको बताया है थोड़ा टाइम का वेट कर लीजिए ओके, रिजल्ट से पहले ये शेयर आपको अच्छे खासे जब तक गिर जाएगा जितना गिर जाएगा उसके बाद अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। अब एक चीज इसमें, कल मैंने यहाँ पर एक शेयर बताया था ओके, यहाँ पर ऑयल इंडिया, उसमें मैंने आपको बताया था राइजिंग वेव्स बनता हुआ नजर आ रहा है, जब भी राइजिंग वेव्स बनता है तो क्या होता है उसमें एक गिरावट होती हुई नजर आती है और बियरिश पैटर्न यहाँ पर दिखाता है, बट यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ पर एक यहाँ पर बियरिश वेव्स बनता हुआ नजर आता है ओके, फॉलिंग वेव्स जिसे कहते हैं, फॉलिंग वेव्स बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जब फॉलिंग वेव्स रहा है ओके, इस तरीके का यहाँ पर ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया, जब इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो एक तेजी होगी
जो इसे सीधे यहाँ पर इस लेवल पे ले जाएगी, और ये अगर यहाँ पर से ये निकाल देता है तो एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा और ये शेयर और तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा। इस शेयर को अगर मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंसोलिडेट किया फिर भागा, ओके यहाँ पर और लंबा थोड़ा सा यहाँ पर निकलेगा, ये कंसोलिडेट किया धीरे 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 करके ऊपर जाता हुआ नजर आता है ये शेयर, 2600 रुपए से लगातार ये तेजी होती हुई नजर आई है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो में जो बन रहा था, चार्ट में जो बन रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं इस शेयर में अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ, जब भागेगा तब यहाँ पर देखा जाएगा। बट आप यहाँ पर इसके बारे में सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर हेल्प लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।